वो वैसी तो आक्रांता है, आक्रांताओं के अधिकार नहीं होते। पक्ष कौन था? पीड़ित पक्ष तो हिंदू थे। यहाँ पर किसी के पूजा स्थल धर्म स्थल यदि तोड़े गए हैं तो वो हिंदुओं के तोड़े। साल से इनके आक्रांताओं के करतूतों को वाइट वॉश करते रहे हैं, उनके भी आप जानते हैं कि अब कथनों में उनके झूठ जो है वो सब सामने आ चुके, और आप इनको प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में बीच में छोड़ दें। ये सभ्य समाज में रहने वाले लाए लोग नहीं है। जो लॉ है तो कहीं पर भी यदि मान लीजिए किसी देवता की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, देवता की मूर्ति को खंडित करके उसके ऊपर किसी दूसरे के द्वारा अधिकार कर लिया गया, तो जो स्थापित कानून है उसके अनुसार तो वो भूमि तो सदैव देवता की ही रहेगी। मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी हूं और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। देश में आज कल जो एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ है वो है प्रोसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिस पर अब कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है, और क्या क्या और किस तरह के सवाल और किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं उसी को लेकर आज हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते से इस पर वापस सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होने वाली है। तो इसी पर जो सवाल है और किस तरह की बहस हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट में किस तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे, और उन्हीं पर आज हमारे सवालों का जवाब देने के लिए ज्वाइन किया है संजय दीक्षित जी ने, जिन्होंने खुद इस एक्ट को चैलेंज किया है कोर्ट में। नमस्कार संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं संजय जी आप? बस बिल्कुल कुशल, धन्यवाद। संजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, ये पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में बनाया गया, जिसको कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी देखने से लगता है। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि ये पूरा जो अधिनियम रहा है ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है। आप क्या कहते हैं और क्यों लाया गया डिस्क्रिमिनेटरी ये अधिनियम पूरा? नहीं, बट डिस्क्रिमिनेटरी तो स्पष्ट रूप से ही है, क्योंकि इसकी तुलना यदि आप करें, एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसमें सबको पता है कि जो एक तरह से राइट्स ऑफ इन्वेडर्स वो प्रोटेक्ट कर दिया गया, क्योंकि पीड़ित पक्ष कौन था? पीड़ित पक्ष तो हिंदू थे। यहाँ पर किसी के पूजा स्थल धर्म स्थल यदि तोड़े गए हैं तो वो हिंदुओं के तोड़े गए हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ की जो दो प्रमुख माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने आप को इस समय माइनॉरिटीज़ के लाभ लेती हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो वे पिछले 1000 वर्ष तक यहाँ पर शासक वर्ग रही हैं। पहले लगभग 1200 से लेके और लगभग 1715 तक तो इस्लामिक राज्य रहा है, लगभग 500 साल, और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का राज यानी क्रिश्चियंस का राज रहा है, और इन्होंने ही जो भी पूजा स्थल तोड़े गए हैं इन्होंने ही तोड़े हैं, ये दोनों आक्रांता थे। तो जब आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला के और उसको एक स्थान पर एक दिनांक में फ्रीज कर देते हो तो वस्तुतः आप जो है वो आक्रांताओं के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, जबकि पूरे विश्व में और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो सभी स्थानों पर वह जो पीड़ित पक्ष है उसके कानूनों की सुरक्षा की बात करता है। तो ये तो इसका एक जो मैं कहूँ कि वैचारिक पक्ष, बहुत बड़ी विसंगति है इस वैचारिक पक्ष की कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने आक्रांताओं के अधिकारों को सुरक्षा दे दी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये सवाल है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी वोट पॉलिटिक्स इसमें तो क्या है, भारत की और कांग्रेस की जो वोट की राजनीति है वो इस कारण हुआ। और वैसे उस समय मुल्लाओं ने इनको कहा कि भाई आपने जो है हमारे साथ बहुत ज्यादती की और आपने बाबरी मस्जिद गिर जाने दी, तो उसके नहीं वो तो बर्बाद में हुआ, उसके पहले जो राधा के साहब की ये झगड़ा चल रहा है
और ये फिर आगे तक जाएगा, इसमें फिर जो है ये लोग फिर मथुरा और काशी भी मांगेंगे। मथुरा काशी के अतिरिक्त फिर उस समय सीताराम गोयल जी ने 2000 ऐसे स्थलों की एक सूची बनाकर प्रस्तुत कर ही दी थी। तो मौलानाओं को ढाढ़स बधाने के लिए पीवी नरसिम्हा राव जी ने ये जुगत खेली कि भाई ठीक है, जो अयोध्या का मसला जो चल रहा है वो तो हम चलने देते हैं, लेकिन बाकियों में हम आपको बिल्कुल किसी और की मदाखलत नहीं होने देंगे। आपने जो आपके आक्रमण के माध्यम से जो भी स्थान जीत लिए वो हम आपको ही रहने देंगे। और एक तरह से जो इस्लामी कानून है, जिसमें इस्लामी कानून में तो स्पष्ट कहा गया है ना कि पूरी ये जो धरती है और धरती पूरी की पूरी ये सब जो है ये अल्लाह की है और इसमें जो राइट्स हैं वो अल्लाह ही देता है। तो हमारे मौलाना इत्यादि भी वो फिर बाकी आगे जाकर बाबरी मस्जिद के बाद फिर वो वक्फ के माध्यम से वो राइट्स ले आए इस तरह से। तो यहाँ तो क्या डबल जेपर्डी हो गई, एक तरफ तो हमारे जो पूजा स्थल थे उनके ऊपर तो आक्रांताओं के अधिकार हो गए और दूसरी तरफ जो आक्रांताओं के प्रतिनिधि हैं मुल्ला मौलाना वर्ग, उनको डबल अधिकार मिल गया कि वक्फ के माध्यम से चाहे जहाँ कब्जा करो। आप ये देखिए, मजे की बात बताऊँ आपको कि अभी अभी बेट द्वारका में कुछ मज़ारें जो हैं अनधिकृत रूप से बनी हुई उनको समतल करके ये पाया गया कि उसमें किसी के भी नीचे कोई मुर्दा नहीं है, मतलब कोई ऐसा अवशेष है ही नहीं, मजार के नीचे कोई अवशेष नहीं पाया गया। और ये मैं जयपुर डायलॉग्स पे कई समय से कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा एक जमीन हथियाने का कारोबार चल रहा है। सबसे पहले ये देखा जाए कि कोई भी मजार जो है जो बनी हुई है उसके नीचे कोई दफन है भी या नहीं है। और ये हम आपको सीधा सीधा साक्ष्य, आप देख लीजिए बेट द्वारका में कोई 6 मजारें तोड़ी गई इस तरह की और 6 के 6 में कोई नहीं मिला नीचे। और बड़े बड़े नाम है कि साहब कोई कदीम शाह की दरगाह है, कोई बाबा पता नहीं कौन से पीर साहब की दरगाह है, ना कोई नीचे पीर साहब है, ना कोई कदीम शाह है, ना कोई एक्स, ना कोई वाई, ना कोई जेड। अच्छा संजय जी, आप 11 अक्टूबर को खेल जो खेलते हैं ना ये इस्लामी, ये इस खेल को कांग्रेस ने तो सहारा दिया भी और मैं कहूंगा कि हमारी जो बीजेपी है वो अपनी अज्ञानता से उसमें भागी बन जाती है। तो हर तरह से तो संजय जी 11 अक्टूबर को सुनवाई में रहता है जी। अच्छा मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 11 अक्टूबर से सुनवाई शुरू होने वाली है तो दोनों पक्षों के द्वारा किस तरह के तर्क दिए जाने वाले हैं, किस तरह की क्या क्या बहस हो सकती है, क्योंकि आपने खुद इस एक्ट को चैलेंज किया है। देखिए अभी 11 तारीख को सुनवाई शुरू हो पाया उसमें तो मुझे संदेह है, क्योंकि प्रोसीजर लंबा होता है कि पहले हमने जो इंटरवेंशन इत्यादि फाइल किए उनके काउंटर मांगे गए। अब सरकार का काउंटर इतनी जल्दी आ जाए मुझे तो संदेह है, क्योंकि बीजेपी सरकार का ये है कि वह है वैसे तो यदि ऐसे मामलों में बचने का प्रयास करती है, मतलब तो बचने का जो प्रयास है जो सबसे अच्छा जो तरीका है बचने का वो ये है कि रिप्लाई मत फाइल करो। अब स्टेट की रिप्लाई नहीं आए, हमने एक्ट को चैलेंज किया है तो एक्ट में जो स्टेट की रिप्लाई है वो आना कंपलसरी है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि स्टेट टाइम लेगी। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के जितने भी और केसेस हैं उसमें यही रूटीन है। और वो आपको मैं बता दूँ, आप उसमें माइनॉरिटी कमीशन जो एक्ट है उसको चैलेंज कर रखा है जिसमें, उसमें भी यही किया, उसमें तो एक बार तो जब कॉस्ट वॉस्ट लगा दी, कई बार वार्निंग दे दी कोर्ट ने, तो उसके बाद उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया, अगली पेज ही उसको विड्रॉ कर लिया, कह रहे साहब अब स्टेट्स को कंसल्ट करना है। मतलब हर तरीके से लिंगर ऑन करने का, इसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस है, ओपन एंड शट केस, कहीं उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि भाई आप स्टेट फंडेड किसी भी यूनिवर्सिटी को एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैसे कंटिन्यू करने दे सकते हो। सीधे सीधे जो है वो आपके आर्टिकल 28 का 14-15 का सबका उल्लंघन है। उत्तरीनियां दे रहे 5 साल से लटका रखा है रिप्लाई। अच्छा सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि जहां पर इस तरह का किसी एक्ट को चैलेंज किया हो उसमें स्टेट का जो रिप्लाई है वो आवश्यक होता है। इसी तरह से वो जामिया मिलिया वाला, उसको बैकडोर से जो एक सीएमआई थी उसने उसको कब्जा लिया, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया,
उसको चैलेंज कर रखा है, उस पर भी जवाब नहीं। ऐसे आप वक्फ एक्ट में देखा आपने, वक्फ एक्ट को उन्होंने टल्ला मार के और भिजवा दिया नीचे, दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया वो। तो ये जो इनके तौर तरीके हैं सरकारों के, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई 11 तारीख को सुनवाई आरंभ हो जाएगी। 11 तारीख को वैसे भी दिन है, वो देखेंगे कि साहब की वो काउंटर्स आए कि नहीं आए, काउंटर मतलब आएंगे, अभी आएंगे काउंटर और समय दिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब सुनवाई होती कोर्ट में नजर नहीं आ रही और किस तरह के तर्क हो सकते हैं। मैं आपको किस तरह के तर्क रखे जा सकते हैं, क्या हो सकता है, किस तरह के तर्क दिए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा तो देखिए तर्क जो है वो बहुत ही सरल है, और वो सरल तर्क ये है कि जो आपके मूल अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें सबसे पहला मूलभूत अधिकार है एक्सेस टू जस्टिस। और आप एक्सेस टू जस्टिस जो है वो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, विशेषकर जहां पर सिविल राइट्स का प्रश्न हो। यही प्रश्न जो है वो वक्फ एक्ट में भी यही प्रश्न आता है कि जहां पर अलग अलग कम्युनिटीज़ के सिविल राइट्स का प्रश्न होगा, वहां पर एक मजहबी ट्राइब्यूनल उसका निर्णय नहीं कर सकते, वहां पर भी यही प्रश्न। यहाँ पर ये प्रश्न है कि यहाँ पर आपने पूरे की पूरी कोर्ट्स की एक्सेस ही बंद कर दी। आपने कहा नहीं नहीं, जो 45 को जो स्थिति थी वो स्थिति बन के आप अपने सिविल राइट्स नहीं प्रोक्लेम कर सकते। वक्फ एक्ट में आपने लिमिटेशन ही हटा ली और यहाँ पर ऐसी लिमिटेशन डाल दी जो कि लॉ में टेनेबल ही नहीं है, क्योंकि जो हिंदू लॉ है जो स्पष्ट किया जा चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लेट डाउन है। मैं पिछली बार भी आपके चैनल पे मेरे ख्याल से अतीकुर रहमान साहब के साथ जब बैठा था तो मैंने बताया था कि महंत राम स्वरूप दास वाला जो एक केस है 1959 का, और ठाकुर गोविंद देव जी महाराज जयपुर का जो केस है 1965 का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने तय कर दिया है कि जो डेटी के राइट्स हैं, यानी जो देवता के जो अधिकार हैं, वो एक बार निहित होने के बाद फिर उनको आप हटा नहीं सकते। जब इस प्रकार का लॉ है तो कहीं पर भी यदि मान लीजिए किसी देवता की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, देवता की मूर्ति को खंडित करके उसके ऊपर किसी दूसरे के द्वारा अधिकार कर लिया गया, तो जो स्थापित कानून है उसके अनुसार तो वो भूमि तो सदैव देवता की ही रहेगी जी। और उसके ऊपर अलग अलग तरीके से, इलीगल तरीके से बाद में यदि किसी ने भी कब्जा कर लिया है तो फिर वह फिर कानून का ही सिद्धांत आ जाता है प्रायर इन टाइम। प्रायर इन टाइम क्या था? प्रायर इन टाइम तो जब आप जब भी देखेंगे किसी भी स्थान पर, तो प्रायर इन टाइम में तो आपको हिंदू देवता की ही स्थापना मिलेगी। इसलिए ये सारे के सारे स्थान जो हैं वो बाय लॉ हमारे हैं, तो उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से उस लीगल रेमेडी को जो बार किया गया है वो संवैधानिक प्रावधानों के फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें। बिल्कुल। अच्छा संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं ये एक ये भी इसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है एल चंद्र कुमार वाला। और उस एल चंद्र कुमार वाले केस में क्या हुआ था कि ये हाई कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन बार कर दिया गया था, ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होते हैं तो कैट की बेंचेस होती हैं अलग अलग स्टेट हेडक्वार्टर पे, तो उस कैट की बेंच की जो अपील थी ये कहा गया था कि हाई कोर्ट में नहीं लाई करेगी, हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बार करके और सीधे जो है वो लाई करेगी आपके सुप्रीम कोर्ट में। तो वो इसी ग्राउंड पर स्ट्राइक डाउन हुआ था कि आप इसको बार नहीं कर सकते, एक्सेस टू जस्टिस कैन नेवर बी बार्ड। तो इस ग्राउंड पे ये स्टैंड ही नहीं करता। ये पूरा कोर्ट जाने का अधिकार तो सबको है, कोर्ट जाने का अधिकार है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट की तरह है कि हम अपने हिसाब से अपनी मर्जी से सर्वे करके और जो भी स्थान होगा उसको चिन्हित कर लेंगे और दूसरे को वहां से भगा देंगे और हमारा अधिकार होगा। वक्फ एक्ट में तो इस तरह के अधिकार दिए हुए हैं, खुद ही सर्वे कर लेंगे, खुद ही रजिस्टर कर लेंगे।
और खुद ही रजिस्टर करके, खुद ही डिक्लेयर करके और एनक्रोचमेंट कर हटाने का आदेश दे देंगे सरकार को, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो बाउंड होगा उसको हटाने को। इस तरह के अधिकार वक्त में दे रखे हैं, और दूसरी तरफ हमको कह रहे हैं कि नहीं, आपके तो जो अधिकार है उनको आप सिविल कोर्ट में भी नहीं ले जा सकते। ये कोई देश है या कोई धांधली चल रही है? इस तरह के एक तरफा कानूनों को हम बिल्कुल आज के युग में मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम तो निश्चित रूप से इसका विरोध कर ही रहे हैं, और कानूनी रूप से विरोध करके और इसको हटवा के रहेंगे, ये हमारा निश्चित मत है। अच्छा संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब अयोध्या मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो क्या उस समय कोर्ट में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके पक्ष में या उसको लेकर कोर्ट में कोई टिप्पणी की गई थी, या किस तरह की बात? जी टिप्पणी तो की थी, टिप्पणी तो कोर्ट ने की थी, लेकिन टिप्पणियां तो उसमें और भी बहुत सी थी। जैसे जिस टिप्पणी पे यदि आप देखें, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है या नहीं लागू होता है काशी वाले मामले में, तो जो डिटेल्ड जजमेंट डिस्ट्रिक्ट जज ने दिया है उसमें उन्होंने अयोध्या का ही हवाला लिया है। अच्छा, जो किस तरह की टिप्पणी की थी, क्या जो अभी जो मौजूदा याचिकाएं उन पर उसके क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अयोध्या वाले जजमेंट में उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सराहा था, उसको एप्रिशिएट किया था, लेकिन वो एप्रिसिएशन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं था। एप्रिसिएशन आप किसी का भी कर सकते हैं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, उसका संदर्भ अलग होता है। और उसमें उन्होंने होल्ड किया था, पूरा का पूरा जो अयोध्या का जजमेंट है वो पायस पर्पज की बेसिस पे है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ पायस पर्पज है उसकी बेसिस पे है। क्यों? क्योंकि ASI ने यह कहने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने यह तो कह दिया था कि इसके नीचे जो है एक विशाल मंदिर था, ये जो ढांचा है इसके नीचे एक विशाल मंदिर था, ये तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया। लेकिन वो यह कहने से बचते रहे कि क्या ये जो ढांचा बनाया गया है उस मंदिर को तोड़ के बनाया गया, ये कहने से वो बचते रहे। तो इसलिए जब आप देखते हैं ना, ये साजिद रशीदी जैसे या दो चार और आते हैं बड़े बड़े, ओ कोर्ट ने कह दिया कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, वो पूरी तरह से बकवास कर रहे होते हैं। कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो ASI है ये हमें नहीं बता रहा है कि मंदिर तोड़ा गया या नहीं। उसके बाद फिर वो अन्य साक्ष्यों पे गए, और अन्य साक्ष्यों में जिस साक्ष्य पर उन्होंने ये निर्णय दिया वो था डॉक्ट्रिन ऑफ पायस पर्पस, क्योंकि उन्होंने ड्रॉ किया कि ये जो हिंदुओं की जो फेथ है वो कम से कम, जब ये 1528 ईस्वी की बात होती है, उससे पहले स्कंद पुराण इत्यादि और बहुत सारे जितने भी ग्रंथ हैं उसमें सब में वो उल्लिखित है। तो इनकी जो पायस पर्पस जिसके लिए ये मंदिर बनाया गया, जो जन्म स्थान की बात है और जो श्रद्धा की बात है, फेथ और बिलीफ की बात है, ये देखिए जो फेथ और बिलीफ मुस्लिम और क्रिश्चियन मानते हैं वो यहाँ पर हिंदुओं के भी काम आ गई, उसके आधार पर, चूंकि हमारा इंग्लिश कॉमन लॉ है ना, तो इंग्लिश कॉमन लॉ फेथ और बिलीफ को मानता है, तो उस फेथ और बिलीफ के आधार पर उन्होंने इसको डिक्री किया, सिविल सूट था ना, डिक्री हुआ वो, तो वो डिक्री किया हिंदुओं के पक्ष में, वो आधार लिया गया पायस पर्पस का। उसी पायस पर्पस को हमारे काशी वाले विद्वान जिला जज ने भी उसी को आधार लिया। तो पायस पर्पस तो आपको हर इस स्थल पे मिल जाएगा जिसको तोड़ा गया। इन इन सारी टिप्पणियों से जो मौजूदा याचिकाएं हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है? हमारे फेवर में ही तो जाएगी वो पायस पर्पस का सारा डॉक्ट्रिन जी। तो उम्मीद कर आप क्या ना, आप उस दिन अतीक और रहमान साहब भी आ रहे थे, तो वो मेरिट पे तो बात करते ही नहीं है। आप किसी भी मौलाना का बुला के मेरे साथ बैठा दीजिए, वो कभी मेरिट पे बात नहीं करेगा, वो बस कहेगा हाँ ये तो बाढ़ है, हाँ ये हम कब तक करते रहेंगे। अरे भी क्यों नहीं करते रहेंगे, तुम 700 साल करते रहे और अब जो है वो कह रहे हो कि नहीं नहीं आक्रांताओं के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। दुनिया के किसी भी कानून में आक्रांताओं के अधिकार सुरक्षित कभी नहीं रखे गए हैं,
आपने देखा होगा न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए थे जर्मनी के ऊपर, जो आक्रांता था उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट्स ने जुर्माने लगाए थे, हैवी रेपरेशंस उनसे लिए थे। क्यों लिए थे? क्योंकि उन्होंने आक्रमण किया था। आक्रांता को अपनी लायबिलिटी चुकानी पड़ती है, आक्रांताओं के अधिकार नहीं होते, आक्रांताओं की लायबिलिटीज होती है। और जो लोग पिछले 100-150 साल से इनके आक्रांताओं के करतूतों को वाइट वॉश करते रहे हैं, उनके भी आप जानते हैं कि अब कथनों में उनके झूठ जो है वो सब सामने आ चुके हैं। और काशी का तो स्पष्ट दिखता है ना सामने। अयोध्या में इन्होंने जान इसलिए लगा दी थी पूरी, क्योंकि अयोध्या में स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं खड़े हुए थे। और ये इसीलिए कर रहे थे कि कहीं अगर मान लीजिए अयोध्या हमारे हाथ से निकल गया तो बाकी जितने जो लिस्ट कर रखे हैं सीताराम गोयल जी ने, वो तो सब सामने दिख रहे हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं आप उनको कि ये मंदिर था जी। अच्छा, अब जबकि इस पे इतनी बहस शुरू होने वाली है और एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हम सब जानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू में है, तो क्या ऐसे में संसद इस ये पूरा जो अधिनियम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसमें कोई संशोधन कर सकता है? संसद तो जब चाहे तब कर सकती है, तो संसद का अधिकार है, संसद ने ही बनाया है, संसद द्वारा उसको कोई परिवर्तन करना चाहती है या उसको रिपील करना चाहती है, संसद को पूर्ण अधिकार है। तो मैं ये ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये लगातार इस पे बहस और चर्चा और ये लगातार बढ़ती जा रही है जब से काशी विश्वनाथ वाला ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ है। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये पूरा जो एक्ट आप लोगों ने चैलेंज किया है, इस पर कोई पॉजिटिव कुछ उम्मीद आपको नजर आती है? देखिए, हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम तो केवल ये, हमें अगर मान लीजिए सिर्फ इतना अधिकार दे दे कि ये जो इन्होंने ये तमाशा लगा रखा है कि साहब आप कोर्ट में नहीं जाओगे, ये हटा लो आप, बाकी तो जितने लोगों ने चैलेंज किया है, जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दो है। सेक्शन 3 कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप शैल नॉट बी कन्वर्टेड टू अनदर प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ अ डिफरेंट डिनोमिनेशन और डिफरेंट रिलीजन। और सेक्शन 4 जो है वो बार करता है जुडिशियल रेमेडी। तो हमें तो आप जुडिशियल रेमेडी वाली बार हटा लो, हम तो सारे केस, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हम सारे केस सिविल कोर्ट से जीत ही लेंगे। लेकिन हमें संजीव जी तक ही आता है ना, जो एज इट इज कोई समस्या लेकिन तर्क ही आता है ना कि फोर में जो आपने जुडिशियल रेमेडी का जो बार लगा रखा है दैट हैज टू गो। लेकिन ये कहते हैं कि जो विपक्ष है वो ये कहता है कि अगर एक बार इस पे जाएंगे तो फिर उसके बाद तो पूरा और लंबी कतार है वो निकल आएंगे। हाँ, 2000 है भाई, अलग बता रहा हूँ ना, 2000 है, 2000 की लिस्ट है जो सीताराम गोयल जी वाली, वो सब हमारे एजेंडा पे हैं, कोई उसमें समस्या नहीं करें। ये ओवैसी जी भी बात बोलते हैं कि उसके बाद तो बड़े, तो ओवैसी क्यों बोला भाई, ओवैसी तो आक्रांता है, आक्रांताओं के अधिकार नहीं होते। ओवैसी जी को हमारे आपके माध्यम से कह दें कि संजय दीक्षित कह रहे हैं कि आक्रांताओं के कोई अधिकार नहीं होते किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून में, किसी भी राष्ट्रीय कानून में। आक्रांताओं को तो अपनी हरकतों का जवाब देना पड़ता है, उसका कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, उसका मुआवजा देना पड़ता है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक हमारे देश में आक्रांताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है और जिन जो देशवासी हैं उनके अधिकार, जो बेसिक राइट्स होते हैं, उनको उनसे वंचित रखा गया। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था एक बड़े समाज के लिए, और अब जबकि आवाज उसके खिलाफ काफी बुलंद हो चुकी है, तो ऐसे में नजर आ रहा है कि जो लोग हैं अपने अधिकारों को लेकर वो काफी जागरूक हो चुके हैं। काफी समय से जो तीन बड़े प्लेसेस हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे राम मंदिर, राम भूमि, जो जन्म स्थल रहा भगवान श्री राम का, फिर मथुरा और काशी की बात आती है, तो ऐसे में जब सवाल इन तीन का उठता है तो फिर जो तर्क दिया जाता है बार बार कि एक बार मथुरा काशी की बात होगी तो फिर लिस्ट बड़ी लंबी है, तो सवाल यही होता है कि अगर गलत हुआ है तो हम क्या सही नहीं कर सकते वॉलेंटरली? जैसे कि राम मंदिर के समय भी ये बात आती थी कि क्या हम अपनी खुशी से सब नहीं कर सकते, लेकिन वो अब मुझे लगता है वो समय तो, वो अपॉर्चुनिटी चली गई है
कि वॉलेंटियरली अगर कुछ करना होता तो कर चुके होते। इनफैक्ट राम भूमि को लेकर भी जो फैसला कोर्ट का है उसको पर भी OACJ अभी भी एतराज जताते हैं कि वो फैसला गलत है और हम उससे खुश नहीं है। एक समय था जब अडवाणी जी ने ये पहल की थी और लगभग पूरा संत समाज इस उन्होंने इसके ऊपर तैयार कर लिया था कि यदि 3 स्थल जो है ये मुख्य स्थल ये दे दिए जाएं तो फिर आगे जो है जो डिमांड्स होंगी वो करटेल हो जाएंगी या अधिकतर और नेगोशिएट हो जाएगा। मुख्यतः जो वसीम रिजवी साहब ने जो 9 स्थल बताए थे वो मुख्य हैं, जिसमें आपका रुद्र महालय है पाटन वाला और आपका अहमदाबाद वाला वो भद्रकाली का मंदिर है, ये भोजशाला है धार वाली, उसके अतिरिक्त ये 3 तो हमारे मुख्य थे ही, उसके अतिरिक्त वो अटाला देवी मंदिर है जौनपुर वाला, फिर वो आपके कौन सी मस्जिद है वो बंगाल में है जो एक, इस प्रकार ये कोई ये 9 मुख्य स्थल थे जिनकी बात हुई थी। तो इन्होंने वो मौका हाथ से जाने दिया, अब ठीक है जो बात गई वो गई, अब तो जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है उस पे हम तो हमारी तो यही मांग है कि भाई हमें न्याय हासिल करने का अधिकार दिया जाए। बिल्कुल नहीं कर पाए, मान लीजिए किसी का कोई क्लेम तो वो हो जाए। देखिए एक आपको बताता हूँ इसमें कितना अच्छा उदाहरण है। एक दक्षिण में कोई मंदिर था जिसको ASI से जांच करवा के कोर्ट ने कहा कि इसका जो मूल प्रकृति है वो बौद्ध है, हिंदुओं ने सौंप दिया उनको, ठीक है अगर ये मूल रूप से बौद्ध कोई यहाँ पर इसकी प्रकृति है हम दे देते हैं। और यदि कोई है मान लीजिए हमारी क्लेम है हम नहीं मानते इसको कुछ है तो हम न्यायालय में जाएंगे, बाकी यदि ये बौद्ध स्थापित हो जाता है तो चला जाए बौद्ध। कई बार जो ये लाते हैं ना सेक्टर वाले, या हाँ भाई नहीं नहीं ये तो अयोध्या बौद्ध थी, हाँ लाओ भाई क्लेम सिद्ध कर दो हम दे देंगे आप। हमें तो पता है ना कि हमारे जी बोलिए आप तो जो भी होगा कुछ वो आपको कोर्ट में ही साबित करना पड़ेगा, उसी के आधार पर आगे कुछ भी साबित करिए ना। ये क्या बात हुई कि नहीं 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 नहीं, नहीं। ये 1991 का एक्ट है और ये 1991 का एक्ट पार्लियामेंट में बनाया, ये OAC बोलता है ये 1991 का एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है, ये पार्लियामेंट ने जो बनाया है इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसके बाहर कैसे जा सकता है। और साथ में जब CAA आता है हम पार्लियामेंट की बात नहीं मानेंगे, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। भाई लोगों ने इतने चालाक है कि उसका ट्रांसलेशन ही नहीं होने दिया कभी, ना हिंदी में ना अंग्रेजी में, खाली अंग्रेजी में किसी ने एक छोटी सी बुक ऑफ ज़कात है उसको ट्रांसलेट किया था। उस पूरे फतावा आलमगिरी की 73 बुक्स हैं, 73, तो फिर हमने ट्रांसलेशन शुरू कर दिया, 10 तो ट्रांसलेट कर डाली है, वॉल्यूम एक वॉल्यूम में 10 थी वो तो हो गई और उसको तो मैंने डाल भी दिया, इट इज अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट, और उससे पूरा ये खुलासा हो जाता है कि आपकी विचारधारा क्या है। आप कहते हो वही है विचारधारा, तो वो विचारधारा फतावा आलमगिरी में क्या है कोई भी जाकर हमारी वेबसाइट पर देख सकता है, और वो विचारधारा है हनफी सुन्नियों की प्रामाणिक रूप से हजरत ओवैसी के अनुसार, और यदि वो है विचारधारा जो वहां लिखी हुई है फतावा आलमगिरी में, तो ऐसे लोगों को किसी भी सभ्यता परक समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको सबको पैक ऑफ कर देना चाहिए, इनको एक बड़े जहाज में बैठाल के और आप इनको प्रशांत महासागर में हिंद महासागर में बीच में छोड़ दें। ये सभ्य समाज में रहने वाले लाए लोग नहीं हैं जो फतावा आलमगिरी का अनुसरण करने की बात करते हैं। बिल्कुल आपने किसी को फतावा आलमगिरी पे बहस करनी हो तो वो भी आए मेरे साथ में बात कर लेते हैं। बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि आज के भारत में लोकतंत्र की बात वो लोग यही लोग करते हैं सबसे ज्यादा, लोकतंत्र की संविधान की बात,
और पीछे और अंदर खाने इस तरह की मानसिकता पाल रहे होते हैं, और जब भी इस तरह की मानसिकता पर सवाल उठाया जाता है तो कहा जाता है कि कहीं कोई रेडिकलाइजेशन, कोई अलगाववाद नहीं सिखाया जा रहा। तो वही सवाल वहीं पे आ जाते हैं कि समस्या को एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही समस्या का कोई निवारण किया जाता है, तो समस्या जिस की तस जुम की तू स्थिति बनी हुई है। और आज जो स्थिति और आज जिस कगार पर हम खड़े हैं, तो लोग अपने अधिकारों को लेकर जो भी कह ये लोग बोलते हैं कि हिंदू समाज इंटॉलरेंट हो गया है, तो इतने समय से हिंदू कम्युनिटी या भारतीय समाज की हम बात करते हैं तो बहुत अकोमोडेटिव रहे हैं। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हम वी आर वेरी इंटॉलरेंट ऑफ इंटॉलरेंस, हम किसी की भी इंटॉलरेंस अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हमारी टॉलरेंस जो है वो इनटॉलरेंस तक अब एक्सटेंड नहीं करेगी। जी मैं वही बात आगे बोलने वाली थी कि हिंदू समाज जो है या भारतीय समाज है हमेशा से बहुत एकोमोडेटिव रहा है, और यही वजह रही कि इस तरह के लोग फलते फूलते रहे। लेकिन आज जो समाज है वो उनके साथ जो पास्ट में इनजस्टिस हुआ उसको लेकर अपनी आवाज बुलंद करता आ रहा है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में से एक है, और जो कि एक बेसिक अधिकार है किसी भी समुदाय के लिए। संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे ही सवालों पर खुलकर आपने ज्ञान दिया, खासतौर से क्योंकि दर्शकों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर लगातार इस तरह की बातें होती रहती हैं कि किस तरह से आगे इसको चैलेंज किया जाएगा, क्या तर्क हो सकते हैं, और किस तरफ ये फैसला इन फ्यूचर हमें झुकता दिखाई देता है, क्योंकि इस पर बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि ये तो संसद इस पर ये पार्लियामेंट के अगेंस्ट हो जाएगा, संसद ने ये कहा है, ये तो कानून के खिलाफ है, सबसे ज्यादा ओएसीडी कानून की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, आपका एक बार फिर से धन्यवाद अमर जी, नमस्कार, जय हिंद।